पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर यहां कांग्रेस ने उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करते हुए उन्हें याद किया तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण सहित बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए कई ऐतिहासिक कार्य किए। इन्हीं ऐतिहासिक कार्यों के बदौलत उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती है। कांग्रेस ने कहा कि उनके सपनों के भारत का निर्माण करना ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम समस्त कांग्रेस जन आज कांग्रेस कार्यालय में बैठक की हमने और उनको एक श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए। आयरन रेड्डी के नाम से विश्वविख्यात इंदिरा जी प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थी हमारी। उनके बनाए हुए आदर्शों पर चलने के लिए हम सब कांग्रेसजनों ने आज कृत संकल्प हैं। उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, पूरा विश्व उन्हें एक आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। उनके आज जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग कांग्रेसजन आज कार्यालय में इकट्ठा हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हम चाहते हैं सभी कांग्रेसजन उनके आदर्शों पर चलें। आज जो देश को उन्होंने स्वर्णिम इतिहास उनका देश के प्रति है, हम उसको याद करते हुए आज समस्त कांग्रेसजन उनकी जयंती को मनाने यहाँ एकत्रित हुए। इंदिरा गांधी जी का आज हमने जो है समस्त कांग्रेसजनों ने पार्टी कार्यालय में उनकी आज जयंती मनाई और उनके जो शहादत थी उसको पूरा देश जानता है। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो अपने प्रधानमंत्री रहते हुए 1966 से 1977 तक जो उन्होंने अपनी सरकार चलाई, उस दौरान उन्होंने बड़े ऐतिहासिक फैसले उनके द्वारा लिए गए, जैसे कि 1974 में उनके द्वारा जो है परमाणु परीक्षण किया गया और उन्होंने जो है प्रीवी फर्स प्रथा ख़त्म करी, जिसमें राजनीतिक जो पहले राजवंश के लोग हुआ करते थे उनको जो है प्रीवी फर्स यानी कि राज भत्ता दिया जाता था, उसको उस पर कटौती करने का काम उनके द्वारा किया गया। और उनके द्वारा गोल्डन टेम्पल में ब्लू स्टार ऑपरेशन के नाम से उन्होंने आतंकवादियों का खात्मा करने का काम किया और उन्होंने जो है राष्ट्रीय के हित में जो है जो बैंक जो निजी बैंक थे उनको जो है राष्ट्रीयकरण करने का काम उनके द्वारा किया गया। तो ऐसी महान विभूति और ऐसी उनको द आयरन लेडी के नाम से उनको उपाधि मिली, तो ऐसी ही महिला को हम जो है आज देश की जो प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला बनी उनको हम आज सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण करा और एक आयरन लेडी के तौर पर आज पूरा विश्व उनको जानता है, आज उनकी जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं और इस शुभ अवसर पर हम लोग कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठनों के सम्मानित पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवत डसीला जी हैं और व्यापार संघ के हमारे पदाधिकारी लोग हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कई वर्षों से हम लोग इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं। और जो इंदिरा जी की जो जन्म जयंती है उस जयंती पर हम लोग पुरस्कार वितरण भी करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी लगातार करते हैं और एक महिला सशक्तिकरण दिवस के तौर पर भी हम कांग्रेस में इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इंदिरा गांधी जी के आदर्शों पर आज भारत ने बहुत सारे कामों को किया है, प्रीवी वर्ष जो राजे रजवाड़े थे उनके प्रीवी वर्ष को ख़त्म किया और एक जो आज बहुत बड़ा हमको योगदान मिलता है व्यापार के क्षेत्र में, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है, उस देन को हम लोग लगातार जनता के बीच में याद करते हैं। तो आज हमारी यही विनर में श्रद्धांजलि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को और पूरे देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को है जिनको हम लोग आज याद करते हैं। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।